जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं लेक्चर नंबर 15। और टॉपिक हम पढ़े, चैप्टर कौन सा हम पढ़े थे? थ्री। थ्री का मतलब कौन सा? टाइटल का कंपीटेंस कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। इसमें हमने पहले स्टडी किया था कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसके बाद हमने स्टडी किया कंसिडरेशन, और लास्ट जो पार्ट है हमारा ये क्या था? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कि कौन कौन से लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमने स्टडी किया तीन तरह के लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी इनके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना उसमें ऊंच नीच हो सकती है, कंप्लीटली वैलिड नहीं है। वो तीन तरह के लोग कौन से थे? वो था माइनर, दूसरा पर्सन ऑफेंस ऑन माइंड, तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीन तरह के लोग थे। इसमें माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, उसका लीगल स्टेटस क्या होगा हमने कल स्टडी कर लिया, ठीक है। अब बाकी दो पार्टीज रह गई हैं, कौन कौन सी? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जी आगे चलने से पहले कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, चलें आज के लेक्चर की तरफ। आज हम स्टडी कर रहे हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आज हमने दोनों कंसेप्ट, आज ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, दोनों कंसेप्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड वाला, दोनों पढ़ेंगे। पहले कौन सा पढ़ें? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के साथ अगर एग्रीमेंट करे तो क्या? अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? जिसका जहनी तवाजन दुरुस्त ना हो। लॉ इसे कहता है वो अनसाउंड माइंड है जो कि सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? जो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो वो है अनसाउंड माइंड। कह रहा है अनसाउंड माइंड मीन पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो सोच समझ नहीं सकता। क्या नहीं सोच समझ सकता? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन हिज इंटरेस्ट, और इसकी जो टर्म्स है वो मेरे इंटरेस्ट में है कि मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ है, मेरे हक में है कि मेरे खिलाफ है। ऐसा बंदा जो अंडरस्टैंड ना कर सके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को, और ये ना समझ सके कि इसके फायदे की टर्म्स है कि नुकसान की, उसे लॉ ने क्या कहा? अनसाउंड माइंड। हम आम जुबान में अनसाउंड माइंड किसे कहते हैं? जिसका जहनी तवाजन दुरुस्त ना हो। लॉ उसे किन अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा है? जो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम, मतलब दोनों का एग्रीमेंट निकलता। फिर इसकी एग्जाम्पल्स दे, एग्जाम्पल्स जरा गौर से सुनिए, क्योंकि बाद में जब लीगल इफेक्ट की तरफ जाएंगे तो ये एग्जाम्पल्स काम आएंगे। इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट का मतलब है कि वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन है उसका क्या असर पड़ेगा उसके मुफाद पे, ये नहीं समझ सकता। यानी कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी टर्म उसके फायदे में है, कौन सी उसके नुकसान पे है, वो ये नहीं जान सकता। वो है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एग्जाम्पल्स क्या है? परमानेंट अनसाउंड माइंड, ये ऐसा पर्सन है, इसे स्पेसिफिक पर्सन कहते हैं, पैदाइशी पागल, जो हमेशा ही पागल लगता है, कभी भी होशो हवास में नहीं होता। कुछ लोग इस तरह का भी होते, आपने देखा हो शायद गली मोहल्लों में, आपके मोहल्ले में कोई एक आधा पर्सन इस तरह का हो, वो बेचारा सड़क में यूँ ही घूमते फिरते रहता है, दरमियान में ट्रैफिक आ रही है जा रही है, उसे कुछ होश नहीं होता, लोग उसे पकड़ के साइड पर बैठाते। पर्सन ये है परमानेंट अनसाउंड माइंड, पागल। दूसरा यूजली अनसाउंड माइंड, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं लुनेटिक। लुनेटिक ऐसा है कि जो कि ज्यादातर अनसाउंड माइंड का है, कभी कभार ठीक हो जाता है, कभी कभार ठीक हो जाता है। जैसे समझने के लिए, बाजू का पागलखाने में ज्यादातर परमानेंट अनसाउंड माइंड होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इलाज चल रहा होता है, तो बाजू का ऐसा होता है कि इंटरवल्स में वो होशोहवास में आ जाते हैं और सही बातें कर रहे होते हैं, कभी कभार ठीक, लेकिन ज्यादातर वो दिन का ज्यादातर हिस्सा वो क्या है? और तीसरी कौन सी कैटेगरी है? यूजली साउंड माइंड। ये यूजली साउंड माइंड वो है जो इस क्लास में भी बैठे हुए हैं, ये पागल आने वाले नहीं है, इस क्लास में यूजली साउंड नॉर्मली ठीक होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो अपने होशो हवास खो बैठते हैं, सोचते समझने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। जैसे फर्ज कीजिए अगर किसी को कभी डेंगू, खुदा ना हज़ार डेंगू बुखार हुआ हो, तो आपको पता होगा कि उसमें बाज़ औक़ात ऐसी हालत हो जाती है कि बंदे को कुछ पता नहीं चलता कि कौन करीब है उसके, कौन नहीं है, कौन कब उसने खाना खाया या कब मेडिसिन ली है कब नहीं ली। वो होशो हवास में नहीं होता, कुछ मेडिसिन का असर होता है, कुछ बुखार का असर होता है। बुखार शदीद हो बाज़ औक़ात तो उसमें भी बंदा अपने होशो हवास में नहीं रहता, कोई नशा ज्यादा कर ले, ठीक है, ड्रंकन पर्सन मतलब जिसने नशा किया हुआ है, तो नशे में भी इंसान अपने होशो हवास में नहीं रहता। तो लॉ ने हमें तीन तरह के अनसाउंड माइंड बताए, कौन से? परमानेंट अनसाउंड माइंड,
दूसरा नॉर्मली अनसाउंड, कभी कभार साउंड, और तीसरा नॉर्मली साउंड, कभी कभार अनसाउंड। अल्लाह हमें बताता है कि जब हम एग्रीमेंट कर रहे होंगे तो इस चीज को सामने रखा जाएगा कि वो पर्सन किस कैटेगरी में था, कि वो पर्सन किस कैटेगरी में था। तो आगे हम स्टडी करते हैं। अब आगे देखें, वो हमें इन्हीं तीन कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस बता रहा है कि अगर आपने जिस पार्टी के साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है वो स्पेसिफिक पर्सन है तो स्टेटस क्या होगा, वो यूजली साउंड मैन, यूजली अनसाउंड है तो स्टेटस क्या होगा, और तीसरा यूजली साउंड माइंड है तो स्टेटस क्या होगा। यही तीन तरह के टाइप्स है ना, इन तीन टाइप्स का बताने का मकसद ही यही था कि बाद में आपको इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस बताया जा सके। ला कहता है जो तो ना स्पेसिफिक पर्सन यानी हमेशा पैदाइशी पागल, उसके साथ अगर एग्रीमेंट करें, ये ऐसा बंदा कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बल्कि इसका मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ, एक लाइन में आपको समझ आ जाएगा। स्पेसिफिक पर्सन के साथ एग्रीमेंट करें तो वही रूल लगेगा जो माइनर के साथ एग्रीमेंट है। यानी अगर एग्रीमेंट अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट है तो वाइड है, लेकिन अगर उसके बेनिफिट में है वैलिड। अनसाउंड माइंड को अगर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करें, रीजनेबल प्राइस रिकवर करवाई जा सकती है, यस, माइनर वाला रूल लगेगा। और अगर अनसाउंड माइंड के डिपेंडेंट्स हो, उनको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जाए तो पैसा रिकवर करवाए जा सकते हैं। तो इसका स्टेटस वही है, या आगे लिखा भी हुआ है, इफ कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन विल बी सेम एज ऑफ माइनर। यानी क्या के वाइड अगेंस्ट हिम बट ही कैन डिराइव बेनिफिट्स, अगर उसके फायदे में है तो वो इन्फोर्स करवा सकता है। भाई माइनर का भी यही रूल नहीं था। दूसरा, इफ नेसेसिटी सप्लाइड रीजनेबल प्राइस में बी रीइंबर्स फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर कोई है, माइनर का भी यही रूल नहीं था। yes, sir, तो क्लियर हो गया स्पेसिफिक पर्सन के साथ। yes, sir. अब क्या रह गया नेक्स्ट, यूजली। अच्छा अब ये देखिएगा, यूजली साउंड का मतलब क्या है, सॉरी यूजली अनसाउंड, ज्यादातर वक्त पागल होता, कभी कभार सही। अच्छा मुझे ये बताएं, फर्ज कीजिए कि ये भाई ज्यादातर अनसाउंड माइंड, मुझे ये पता है कि ये नॉर्मली अनसाउंड माइंड के होते हैं, कभी कभार साउंड माइंड में आ जाते हैं। अब मैं आज यहां पे बैठा हूं, मुझे पता चला कि कल 6 बजे शाम को इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, मेरी जनरल प्रिजम्पशन क्या होगी कि एग्रीमेंट के वक्त ये अनसाउंड माइंड थे कि साउंड माइंड थे? नॉर्मली अनसाउंड रहते हैं, मेरी जनरल प्रिजम्पशन क्या, मैं एक इंडिपेंडेंट पार्टी हूं जो उस वक्त मौजूद नहीं था जब कॉन्टैक्ट हो रहा था, मैं नॉर्मली क्या सोचूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि नॉर्मली ये अनसाउंड उठते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त भी अनसाउंड। अब दूसरी पार्टी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिन्होंने इनसे प्रॉपर्टी इनकी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ली है, वो मुझे आके क्या कहेंगे, नहीं नहीं क्या कहेंगे वो, नहीं सर ये तो एट टाइम में कॉन्ट्रैक्ट साउंड थे। अब मुझे एज जज क्या फैसला करना चाहिए, साउंड था कि नहीं था, साउंड था कि अनसाउंड? मैं कहूंगा भाईजान अगर तो आप कोई सबूत पेश नहीं कर पाते ना, तो मेरा फैसला है कि नॉर्मली ये अनसाउंड होते हैं, ये उस वक्त भी अनसाउंड ही थे। लेकिन अगर आप ये एविडेंस ये साबित कर दें कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये साउंड माइंड के थे, तो फिर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करा देता हूं। यानी अगर अनसाउंड, देखे रूल यूजली साउंड माइंड और यूजली अनसाउंड माइंड, दोनों में रूल सेम है, दोनों में रूल क्या बोला, इफ एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी साउंड माइंड की थी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इफ एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी अनसाउंड माइंड की थी एग्री कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। दोनों में रूल सेम है, यूजली अनसाउंड में और यूजली साउंड में, कि अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी साउंड थी, साउंड माइंड थी, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी अनसाउंड माइंड की थी कॉन्ट्रैक्ट वाइड। इसी तरह यूजली साउंड में भी सेम रूल, अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी साउंड माइंड की थी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी अनसाउंड माइंड की थी कॉन्ट्रैक्ट वाइड। जब बेसिक रूल दोनों में सेम है तो फर्क किस चीज का भला, सबूत का, कि साबित किसने करना है। अगर पार्टी ऐसी है जिसके साथ एग्रीमेंट किया वो यूजली अनसाउंड माइंड की है, तो जज प्रिज्यूम करेगा एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये अनसाउंड माइंड का था, ठीक है। हाँ अगर कोई पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना चाहती है, जो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना चाहती है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसने साबित करना है, क्या साबित करना है,
कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो साउंड माइंड था। किसने साबित करना है? जो इन्फोर्स करवा रहा है, यानी दूसरी पार्टी ने। मुझे बात समझ आ रही? आप समझते हैं ना, ये स्टैंस लॉजिकल है जज का, कि नॉर्मली अनसाउंड माइंड है तो मैं एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी से अनसाउंड माइंड कहूंगा। हाँ, अगर आप सबूत ले आए कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये साउंड माइंड था तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अच्छा, इसी रूल को सामने रखते हुए मुझे बताएं, अगर ये भाईजान नॉर्मली साउंड माइंड के होते हैं और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कल एक, मैं जज हूं, मैं क्या अज्यूम करूंगा? साउंड माइंड। और अगर ये कहें नहीं सर मैं बीमार था, मैंने कोई ऐसी मेडिसिन खाई, मैं नींद में था, मुझे पता नहीं चला, तो किसको प्रूफ करना पड़ेगा? जो इन्फोर्स करवाना चाहता, जो अवॉइड करवाना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है उसको साबित करना पड़ेगा क्या कि पार्टी अनसाउंड माइंड की थी। यानी बेसिक रूल जहन में रखिए, अगर यूजुअली अनसाउंड माइंड है तो लॉ प्रिज्यूम करेगा, अज्यूम करेगा एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी वो अनसाउंड माइंड, जिसने कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाना है वो साबित करेगा साउंड माइंड का था। और अगर पार्टी यूजुअली साउंड है, लॉ अज्यूम क्या करेगा एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये साउंड था, जिसने अवॉइड करना है वो साबित करे कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड, क्योंकि रूटीन के नेचर को साबित करने की जरूरत तो नहीं है ना। जो यूजुअली साउंड है उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साउंड था, उसे यह साबित करना पड़ेगा क्या एट टाइम अनसाउंड था। जो यूजुअली अनसाउंड है उसे इस बात का सबूत नहीं मांगा जाएगा कि बताओ तुम कॉन्ट्रैक्ट के वक्त अनसाउंड थे, बल्कि जो कह रहा है कि साउंड था उससे प्रूफ मांगा जाएगा कि तुम बताओ। ये बात समझ आई? अच्छा, अब केस स्टडी में आपको जब कभी वो क्वेश्चन दे तो आपने ये डिसाइड करना है कि ये यूजुअली साउंड वाला रूल लगेगा कि यूजुअली अनसाउंड। बेसिक रूल सेम। अगर हमसे सिर्फ इतना पूछे ना कि बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड, तो हम ये कहेंगे कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा, अगर वो साउंड माइंड का था कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी अनसाउंड माइंड की थी तो ये वॉइड। लेकिन अगर वो साथ में ये भी पूछे कि बताओ बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, एविडेंस किसने देना है, तो फिर हम कहेंगे अगर तो जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है वो यूजुअली साउंड माइंड का है, यूजुअली साउंड माइंड का है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जो अवॉइड करना चाहेगा कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहेगा वो साबित करे कि ये अनसाउंड माइंड था। और अगर पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड का है तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना चाहता है। जी कुछ समझ आई? ये हाइब्रिड क्लास में समझ आई भाई को? ये तीसरे बेंच के सेंटर में जो भाई बैठे हैं इनसे पूछिए जरा, ये आपको समझ आई? अगर समझ आई तो मुझे साउंड माइंड वाला रूल रिपीट कर दीजिए। एक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक ऐसे पर्सन के साथ जो यूजुअली साउंड माइंड है, स्टेटस क्या है? अब वो कह रहा है कि जी मैं पागल था, बताइए जज क्या फैसला करेगा? जी नहीं, ये भाईजान है, मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया एक, ये यूजुअली साउंड माइंड के हैं, मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया, ये मुकर गए, मैं कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाके मैंने कहा सर इनके साथ एग्रीमेंट किया था ये पूरा नहीं कर रहे, कोर्ट ने इसको बुलाया, इसने कोर्ट में जाके क्या कहा? सर मैं तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त मैं अपने होशोहवास में नहीं था, बताइए जज क्या फैसला करेगा? शाबाश, प्रूफ मांगेगा। किससे प्रूफ मांगेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना चाहता है उससे, जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है। यस, यूजुअली साउंड माइंड है तो जो अवॉइड करना चाहता है उससे सबूत मांगा जाएगा। यूजली अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जो इन्फोर्स करना चाहता है उससे प्रूफ मांगा जाएगा। भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई? इसमें दो बातें, दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट बड़ी आसानी से समझ आ जाता स्टूडेंट को, क्या? कि जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ अगर वो साउंड माइंड का था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अगर वो अनसाउंड माइंड था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। ये समझ आ जाता। जो चीज टाइम लेती है समझने वो कौन सी है बता, कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अगर यूजली साउंड माइंड है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जो अवॉइड करना चाहता है। और अगर यूजुअली अनसाउंड माइंड है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर, इन्फोर्स करना चाहता है। बताइए ये चीजें क्लियर हुई सारी? कोई प्रॉब्लम? नेसेसिटीज के लिए वही शर्त है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को नेसेसिटीज सप्लाई की तो रिकवरी के लिए एग्जैक्टली वही शर्तें हैं जो माइनर वाली थी। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस होगी, और प्रॉपर्टी अगर है तो फिर रिकवरी होगी। यहां तक क्लियर? कुछ कुछ समझ आया? आगे चलते हैं। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कौन से लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है? वन बाय वन पढ़ते हैं। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी क्या होता है?
वो फॉरेन कंट्री जिसके साथ हमारी जंग चल रही है, चाइना कौन है? इंडिया। इंडिया भी एलियन है, अगर वार हो तो फिर एलियन एनिमी बनेगा। एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए ना। एक तरफ एक दूसरे को बम फेंक रहे होंगे और दूसरी तरफ राइस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, ऐसे थोड़ी तो चलता है। कह रहे अगर एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना ड्यूरिंग वॉर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जीरो, वो वॉइड है, पहले दिन से वॉइड है। जो पहले दिन से वॉइड हो उसे कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब वॉइड फ्रॉम इनिशियल स्टेज। वॉइड एब इनिशियो मीन्स वॉइड फ्रॉम इनिशियल स्टेज, पहले दिन से वॉइड। हाँ, अगर आप पहले से एग्रीमेंट किया हुआ है, जंग बाद में लगी है, तो वो सस्पेंड हो जाएगा। अब इसमें डिपेंड करता है टाइम एसेंस है कि नहीं है। अगर टाइम एसेंस है यानी टाइम क्रिटिकल है, टाइम क्रूशल है, तो और वो टाइम जंग में गुजर गया तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म। और अगर टाइम एसेंस नहीं है तो जंग के दिनों में सस्पेंड होगा, जैसे ही जंग खत्म होगी रिज्यूम हो जाएगा। ये एलियन एनिमल का रूल, ये समझ आया आपको? इसके बाद आगे नेक्स्ट पर्सन, फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स। जी, फॉरेन एम्बेसडर्स, सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स। फॉरेन सॉवरेन या एम्बेसडर कौन होता है? सिफारतकार। सिफारतकार रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है सिफारतकार अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज में भी मुलव्वस हो तो उन्हें सजा नहीं दी जाती, उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार देके मुल्क बदल कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है उनको, फॉरनर्स को। हम यहाँ पाकिस्तान में फॉरन एम्बेसडर वगैरह को सजा नहीं देते। वो आपको रेमन डेविस वाला केस याद होगा, क्लासिक एग्जांपल है इस केस की। वो 4-5 बंदे मार गया था ना, लेकिन क्या हुआ था, उसको सजा दी थी क्या हमने? नहीं दी थी, वो निकल गया, उसको भेज दिया था। तो जो एम्बेसडर्स होते हैं इनको इम्यूनिटी हासिल होती है, इस्तिस्ना हासिल होता है। फॉरन एम्बेसडर या सॉवरेंस को इस्तिस्ना हासिल होता है। अगर आप इनके साथ एग्रीमेंट करें तो बड़ी गलती करेंगे। अगर आप इनके साथ एग्रीमेंट करें तो बड़े कैसे, ये तो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं, लेकिन आप इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते जब तक ये खुद से ना अपने आप को प्रेजेंट कर ले कि हाँ जी मुझे केस। और वो पागल थोड़ी अपने आप को प्रेजेंट करेगा केस करवाने के लिए। यानी फॉरेन एम्बेसडर्स और सॉवरेंस ये पाकिस्तान में आके एग्रीमेंट कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्रीच करेंगे तो वो हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ब्रीच करें हम केस नहीं कर सकते, जब तक कि वो खुद से ना कह दे ठीक है भाई मैं इजाजत देता हूं कि आप मेरे खिलाफ केस करें, मैं इजाजत देता हूं कि आप मुझे 2 साल की कैद सुना दें। ऐसा करेगा कोई? नहीं करेगा। तो ये 2 केसेस हो गए किसके, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ के। पहला केस कौन सा था? एलियन एनिमी। ठीक है, और दूसरा केस फॉरेन एम्बेसडर्स एंड सॉवरेंस। थर्ड, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो के मुजरिम हैं और उन्हें सजा हुई हुई है, जेल में कैद है, कैदी। कैदी को कहते हैं कन्विक्ट। कन्विक्ट किसको कहते हैं? क्या जो जिस बंदे को कैद की सजा हुई हो 10 साल, वो जेल में बैठ के 15 साल कर लो, वो जेल में बैठ के क्या सारे मामला चला सकता है? नहीं। वो इवन अपने घर वालों से बात भी करना चाहे ना मोबाइल पे, वो भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी का खाना भी नहीं खा सकता। तो मुझे बताइए जो कैदी है क्या ये सेल परचेज के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है लोगों के साथ? नहीं कर सकता। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कैदी है कैद के दौरान में नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैद होने से पहले किया गया हो और कैद के दौरान में उसको कंटिन्यू कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था, उन पार्टी ने ब्रीच की, ये जेल में बैठ के उनके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, ये ना न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। हाँ, अगर ये जेल से बाहर आ जाए मुस्तकिल तौर पे या आर्जी तौर पे, अगर कन्विक्टेड जेल से बाहर आ जाए मुस्तकिल तौर पे या आर्जी तौर पे, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मुस्तकिल तौर पे कब बाहर आएगा? जब सजा खत्म हो जाएगी। आर्जी तौर पे कब बाहर आएगा?
जब जमानत पेरोल पे आ जाए, जब पेरोल पे वजीर आजम बनना, नहीं जब पेरोल पे आ जाए। बाज का ऐसा होता ना किसी कैदी के फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए तो अदालत इजाजत दे देती है कि चलो दो चार दिन के लिए इसको रहाई दे दो, इसके ऊपर टफ टाइम है, जाके जनाजे में शिरकत कर ले। हाँ पॉलिटिशियन के केस में भी है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं? जो जो अपनी लाइबिलिटीज को पे ना कर सकता हो, लाइबिलिटी को पे, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। अच्छा आपको बताया था इंसॉल्वेंट होने का फायदा होता है कि नुकसान? हाँ एक नुकसान, एक फायदा एक नुकसान। फायदा क्या होता है? कि अब उसने पैसे नहीं। नुकसान क्या होता है? कि अब वो कभी भी बिजनेस एग्रीमेंट्स नहीं कर, अपनी प्रॉपर्टी की सेल परचेज की एग्रीमेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट। अच्छा कौन करेगा फिर? अच्छा मुझे ये बताइए, एक पर्सन है उसके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 80 लाख की उसने लोन देना है, अब वो लोन देने के काबिल नहीं, लोन पूरा नहीं दे सकता 50 लाख की प्रॉपर्टी में से, थोड़ी देर कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट करा दे दिया, क्या वो अब अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी बेच सकता है? नहीं। याद रखे जब कोर्ट किसी को इंस्टॉलमेंट करार देता है, कोर्ट उसे कहता है तुम घर बैठ जाओ, तुम्हारी जगह पे हम एक असाइनी अपॉइंट करेंगे जो तुम्हारे सारे एसेट्स को बेच के तुम्हारी लाइबिलिटीज को पे करेगा। तो इसका मतलब है अब इस 50 लाख के एसेट्स को बेचने की पावर किसके पास आ गई? असाइनी के पास, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया। अब इस पर्सन इंसॉल्वेंट के पास पावर नहीं है, यानी इंसॉल्वेंट पर्सन अपने एसेट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। ये क्लियर हुआ? ये था पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्या सारी लाइबिलिटीज पे हो जाए दोबारा सॉल्वेंट हो जाएगा? नहीं नहीं, अव्वल तो उसकी सारी लाइबिलिटीज पे ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर पे होने वाली होती तो वो खुद अपने हाथ से कर देता, वो कोर्ट में जाके ये ना कहता मुझे इंसॉल्वेंट करा दे दिया था। ठीक है, हाँ जी, तो उन्हें दोबारा इजाजत नहीं देते, देता था कोर्ट। तो क्लियर हो गया? अच्छा आपने देखा माइनर वाला टॉपिक हमारे लिए थोड़ा लेंथी था और उसमें कुछ कंसेप्ट थे, बाकी ये दोनों जो आज हमने कंसेप्ट ईजी है ना, आधे घंटे में निमट गए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो इसमें से तो पूछ लीजिए। एलियन एनिमी वाला रिपीट सुन लें। एलियन एनिमी का मतलब क्या है? ऐसे फॉरेन कंट्री का सिटीजन जिसके साथ हमारी कंट्री हालत जंग में है, हालत जंग में। अगर किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग हो रही है हमारी, तो क्या हमारे ट्रेडर एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें? नहीं कर। तो ये तो अंडरस्टूड है ना, जब जंग हो रही है तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगर नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो वाइड है, जंग खत्म हो जाए फिर नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जंग के दौरान में नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मसला किस में आता है? मसला इस चीज में आता है कि जो पहले एग्रीमेंट हो चुके हैं उनका क्या होगा? तो पहले एग्रीमेंट या तो खत्म हो जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड का मतलब आर्जी तौर पर सस्पेंड हुए, बाद में रिज्यूम हो जाएंगे। कौन सी तरह के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं और कौन सी तरह के कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड होते हैं बाद में रिज्यूम होंगे? जिनमें टाइम क्रिटिकल है, यानी वो टाइम पे परफॉर्म होना जरूरी है, वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि टाइम तो गुजर जाएगा। और जिनमें टाइम पे परफॉर्म होना जरूरी नहीं है वो सस्पेंड हो जाएगा। अब फर्ज कीजिए कि इंडिया के बहुत मशहूर फैशन डिजाइनर है और पाकिस्तान का बड़ा ताजिर है, उसने फैशन डिजाइनर के साथ एग्रीमेंट किया कि मेरी बेटी की शादी है तो इसके जितने भी जोड़े होंगे उनके डिजाइन तुमने बना के तो हमें शादी के जोड़े भेजने हैं, और शादी है 20 अप्रैल को। अब 10 अप्रैल को हो गई जंग शुरू, एग्रीमेंट 1 अप्रैल को हो गया हुआ है, डिलीवरी 20 अप्रैल को होनी है, 10 अप्रैल को जंग शुरू हो गई, ये एग्रीमेंट क्या हुआ? सस्पेंड हो गया। अब बताइए इसमें टाइम एसेंस है कि नहीं है? यानी क्या इस एग्रीमेंट का टाइम पे परफॉर्म होना लाजमी है? 25 तारीख को जंग खत्म हुई, बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया कि रिज्यूम हो जाएगा? टर्मिनेट हो गया क्योंकि टाइम एसेंस था और टाइम उस जंग में गुजर गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिज्यूम नहीं होगा। लेकिन फर्ज कीजिए हमने 1 तारीख पे एग्रीमेंट किया कि 20 तारीख को वो हमें 100 टन टमाटर भेजेंगे इंडिया से, या 100 टन आलू भेजेंगे, आलू करते हैं मंगवाते थे ना आलू इंडिया, 100 टन आलू भेजे मंगवाने इंडिया से। अब आलू तो सारा साल चलते इस्तेमाल होते रहते हैं, तो अगर 1 तारीख को एग्रीमेंट किया, 20 तारीख को डिलीवरी होनी है, 10 तारीख को जंग लग गई और 25 तारीख तक रही, अब इस एग्रीमेंट में टाइम एसेंस है कि नहीं? नहीं है। तो अब जब 25 तारीख को जंग खत्म हो जाएगी, अब बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिज्यूम होगा कि नहीं? ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिज्यूम हो जाएगा।
क्लियर हो गई ये बात जी। और भी क्वेश्चन? जी जी एम्बेसडर और सॉवरेंस में क्या फर्क है? अच्छा मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है एम्बेसडर वो होते हैं जो सफारतकार होते हैं, ये परमानेंट मौजूद होते हैं, जैसे हर मुल्क में पाकिस्तान में इंडिया के सफारतकार, वो जिनको बुला के हम एहतजाजी में रासला थमाते होते हैं कोई भी इशू होता है तो, हाँ वो है एम्बेसडर। लेकिन बाज़ात कोई दूसरे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा, कोई वज़ीर आला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं, ठीक है, तो वो सॉवरन फॉरन सॉवरन्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे सऊदी अरब के कोई शहजादे या कतर के शहजादे आ जाएँ पाकिस्तान में, तो वो क्या, वो एम्बेसडर्स तो नहीं है, एम्बेसडर्स तो एम्प्लॉय होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट के, लेकिन वो क्या होंगे, फॉरेन सॉवरेंस। वो भी इसी तरह जब किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो उनको इस्तिस्ना हासिल होगा, ब्रीच होती है तो वो हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते उनकी मर्जी के बगैर। कन्विक्टेड के केस में एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट होना तो आपको पता है एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, करेगा तो एजेंट खुद लायबल होता है। हमने पढ़ा था ना, अगर प्रिंसिपल माइनर है और एजेंट मेजर है तो एजेंट एग्रीमेंट कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ? नहीं, नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल माइनर है ना, प्रिंसिपल जिसके बिहाफ पे एग्रीमेंट हो रहा है वही माइनर है तो एग्रीमेंट, और अगर एजेंट करेगा भी तो वो पर्सनली खुद लायबल होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल मेजर है और एजेंट माइनर है, अब एजेंट किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है? बिल्कुल, क्यों क्यों इजाजत दी, हालांकि नॉर्मली माइनर एग्रीमेंट नहीं कर पाता क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है और प्रिंसिपल लायबल है उसके लिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? इंसॉल्वेंट नहीं, इंसॉल्वेंट के केस में भी एजेंट, एजेंट को किस लिए पॉइंट करेंगे, कोई चीज खरीदने बेचने के लिए ना, जब इंसॉल्वेंट बंदा खुद ही नहीं चीज खरीद बेच सकता तो वो एजेंट के थ्रू कैसे कर सकता है? एजेंट के थ्रू डिपेंडेंट उसके अलहदा लोग हैं वो कर सकते हैं, इंसॉल्वेंट बंदा उसके भाई बहन वाइफ वगैरह ये लोग कर सकते हैं, रिलेटिव कर सकते हैं, वो खुद नहीं कर सकता। जी जी जी, अगर इंस्टॉलमेंट वाले केस में मैंने एग्जांपल दी थी कि एसेट्स 50 लाख के हैं और लाइबिलिटीज 80 लाख की हैं, तो फिर एडजस्टमेंट कैसे होगी? प्रॉपर्टी बेची जाएगी 50 लाख की, उससे जिन लोगों को पैसे देने थे प्रोपोर्शनेटली पैसे दे दिए जाएंगे, कितने पैसे मिलेंगे इनको, 50 लाख, और बाकी का 30 लाख वो उनका बैड डेट हो जाएगा, जिन लोगों ने लोन दिया उनका बैड, अकाउंटिंग में आप एडजस्टमेंट नहीं पढ़ते बैड डेट, तो बैड डेट क्या के बाद बात लिखा होता है, कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गया, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, तो जबकि बंदा इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट हो जाए ना, तो जितने पैसे उसके एसेट बेच के रिकवर हो रहे हो उतने तो दे दिए जाते हैं पार्टीज को, और बाकी के वो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्यों देना चाहे, डिपेंडेंट अवल तो देना नहीं चाहते, याद रखिए डिपेंडेंट्स के ऊपर लाजिम नहीं होता, डिपेंडेंट अलहदा पर्सन से अल्लाह की नज़र में, अगर मैंने किसी से लोन लिया और पे नहीं ना कर पाया तो ये मेरे भाई की जिम्मेदारी नहीं है उस लोन को रीपे करना, वो मेरी ही जिम्मेदारी है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आ गया, तो अब क्या करें फिर? अच्छा नहीं, एमसीक्यूज अभी क्लास में प्रैक्टिस कर लें कि पहले? अच्छा आज टेस्ट भी है, टेस्ट की भी थी? आपने तो टेस्ट दे दिया हुआ, चलिए आज फिर, चलिए ठीक है आज जी। क्योंकि अच्छा क्योंकि हाइब्रिड क्लास में कोई क्वेश्चन है शायद पूछ रहे हैं, जी बिल्कुल अच्छा नहीं नहीं हाँ जी जी रखिए, एक कल मैंने ये कहा था कि जब बंदा इंस्टॉलमेंट होगा तो उसको एक फायदा एक नुकसान, फायदा क्या है कि उस, अच्छा इसका यह मतलब नहीं था कि वो एक रुपया भी पे नहीं करेगा, इसका मतलब यह था जितनी प्रॉपर्टी है उसकी उतनी पेमेंट ला करवाएगा उससे, बाकी का जो शॉर्टफॉल होगा उसकी पेमेंट करने के लिए वो लायबल नहीं है, ये नहीं था कि वो एक रुपया भी पे नहीं करेगा। इस तरह तो फिर हम कोई 10 अरब रुपए का लोन बैंक से ले लें, उसकी प्रॉपर्टी बना लें, बाहर खड़ा कर लें, और फिर बाद में कि हम इंस्टॉलमेंट हो गए, नहीं नहीं ऐसे नहीं दुनिया में चलता। लॉ क्या कहता है, अगर आपने लोन लिया है और आप कह रहे हो कि मैं इंस्टॉलमेंट हूँ, तो लॉ कहेगा आपने जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी बेच के आपके क्रेडिटर्स को पैसे अदा किए जाएं, अगर फिर भी कोई रह जाए शॉर्टफॉल तो वो आपने अदा नहीं करना, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक प्लस है।
कि आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसे पूरे नहीं हुए अगर कुछ शॉर्टफॉल रह गया तो वो आपने अदा नहीं करना, ठीक है। लेकिन आइंदा से आप कोई शेयर परचेज का एग्रीमेंट करने के काबिल भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंचे। जो प्रॉपर्टी बिकेगी, मुझे बताएं, अगर कोर्ट ने इंस्टॉलमेंट करार दे दिया किसी बंदे को, अब उसकी प्रॉपर्टी वो खुद बेचेगा कि कोर्ट की तरफ से जो असाइनी पॉइंट हुआ वो बेचेगा, असाइनी पॉइंट हुआ वो बेचेगा, ठीक है। वो उसकी प्रॉपर्टी बेच के वो पैसे अदा करेगा, इंस्टॉलमेंट बंदा घर जाके बैठ जाएगा आराम से। अब उसने कोई सेल परचेज से एग्रीमेंट नहीं करना, उसके बिहाफ पे जो भी सेल परचेज होनी है किसने करनी है, असाइनी ने। जो लाइबिलिटीज पे होंगी किसने करनी है, असाइनी ने। और अगर लाइबिलिटीज पूरी पे ना हुई तो बाकी का डिफरेंस किसने पे करना है, वो किसी ने भी नहीं करना, वो जिन लोगों ने लोन दिया उनका बैड डेट हो जाएगा। जी क्लियर हो गया क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर आज का लेक्चर, आज टेस्ट लाजमी देना आपने, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज। और असाइनमेंट भी करके आइएगा, एक मिनट अभी बनते हैं। यहाँ असाइनमेंट पता आपको क्या है, इन दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 और 9 के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, एमसीक्यूज रिटन फॉर्म में ए बी सी 1 2 3 करके अलग पेज पे आपने लिखने हैं। क्लियर हो गया असाइनमेंट? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।